नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं राज टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम फ्लाई स्काई FS-I6S ट्रांसमीटर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें ये ट्रांसमीटर मिल जाता है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। चलिए हम इस बॉक्स को बिना देरी के ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इसका यूज़र मैनुअल, जिसे पढ़कर हम इस ट्रांसमीटर को और भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे हम इस थर्मोकोल शीट को हटाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है हमारा मेन ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर को निकालते हैं, फिर हमें यहाँ पर मिलती है एक डाटा केबल, जिससे कि हम इसमें प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है इसका रिसीवर, FS-IA-10B रिसीवर, जो कि 10 चैनल का रिसीवर है। फिर हमें मिलता है इसका मोबाइल होल्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस मोबाइल होल्डर को इस ट्रांसमीटर पर कैसे फिक्स करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रांसमीटर है और ये इसका मोबाइल होल्डर। तो यहाँ पर दो होल मिलते हैं जिसमें हम इस मोबाइल होल्डर को फिक्स करने वाले हैं। इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये मोबाइल होल्डर फिक्स हो जाता है। कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोबाइल होल्डर इस ट्रांसमीटर फिक्स हो चुका है और इस तरीके से आप यहाँ पर अपना मोबाइल को फिक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रिसीवर को, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके साथ हमें ये बाइंड प्लग मिलता है, जिससे हम सबसे पहले इसे बाइंड करना होता है, फिर हम इस रिसीवर को इस ट्रांसमीटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है FS-IA-10B रिसीवर, जो कि 10 चैनल का रिसीवर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसका कौन सा स्विच किस काम में आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो पावर स्विच देखने के लिए मिलते हैं। जब हम इन दोनों स्विच को एक साथ प्रेस करके रखते हैं, तब ये ट्रांसमीटर ऑन होता है। इसमें दो पावर स्विच इसकी सेफ्टी के लिए दिए हुए हैं। फिर हमें यहाँ पर मिलती है इसकी टच स्क्रीन, जो कि फुल टच स्क्रीन है। इसे प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। फिर हमें यहाँ पर ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए दो स्टिक्स मिलती है, जिससे हम ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर मिलता है दो 2 मोड स्विच और दो 3 मोड स्विच। ये यहाँ पर 2 मोड स्विच है, इससे हम फ्लोर ड्रॉपिंग या फिर लैंडिंग गियर यूज़ कर सकते हैं इन चैनल्स। और यहाँ पर हम ड्रोन का फ्लाइट मोड सेट कर सकते हैं कि हमें ड्रोन को किस मोड में उड़ाना है, GPS मोड, अल्टीट्यूड होल्ड मोड या फिर मैनुअल मोड। यहाँ पर हमें 2 3 पोजीशन स्विच मिलते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं ये वेरिएबल स्विच, जिससे कि हम ड्रोन के गिम्बल को, कैमरा गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं इन दो स्विच से। जैसे हम इस ट्रांसमीटर को उल्टा करते हैं, यहाँ पर हमें 2 की स्विच मिलते हैं, कुछ स्विच, जिससे हम फ्लोर ड्रॉपिंग बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इन दो स्विचेस को। तो चलिए अब हम इस ट्रांसमीटर को ऑन करके देखते हैं। तो इस ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर 4AA बैटरीज लगानी होगी, फिर हम इस ट्रांसमीटर को आसानी से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर जो दो प्रेस, जो ऑन ऑफ स्विच है, इन दो स्विच को प्रेस करके रखना है। इस स्विच, ये ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर इसका बैटरी बताएगा कि ये कितनी चार्ज है और कितनी कम है इसमें। जहाँ पे RX लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें
इस वो रिसीवर की बैटरी बताएगा, और यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये है फंक्शन सेटिंग, इसमें हम किसी भी चैनल को रिवर्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड पॉइंट्स यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम सब ट्रिम्स और यहाँ पर थ्रोटल कर्व ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर AUX चैनल सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें चैनल नंबर 5 पे कौन से स्विच को सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर चैनल नंबर 1 है, ये चैनल नंबर 6 है, यहाँ पर चैनल नंबर 5 पे SWC स्विच सेट है। तो हम यहाँ पर कोई और स्विच को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि SWS स्विच को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ फिर यहाँ से फाइल से ऑन कर सकते हैं किसी भी चैनल का। यहाँ पर है सिस्टम सेटअप RX बाइंड, तो हमें रिसीवर को बाइंड करने के लिए इससे बाइंड करना होता है। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पर है मॉडल्स, तो इसमें कुल 5 मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पर है आउटपुट मोड्स, ये PPM, PWM, PPM, IBUS और SBUS फुल सपोर्टेड है। यहाँ पर है थ्रोटल मोड, तो ये सेल्फ सेंटरिंग थ्रोटल मोड है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है जिससे कि ये थ्रोटल है बीच सेंटर में आ जाती है। अगर यहाँ की स्प्रिंग हम हटा दें तो यहाँ पर हमें नॉन सेल्फ सेंटरिंग में करना होता है। यहाँ पर है स्टिक एडजस्ट, तो यहाँ से हम स्टिक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस ट्रांसमीटर की बेसिक वायरिंग थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।